हेडिंग है हमारी ईंधन क्या है। ठीक है, हाँ ईंधन क्या है। अब ईंधन की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, या तो हम घरेलू उपयोग की बात करें या फिर औद्योगिक उपयोग की बात करें। औद्योगिक मतलब बिजनेस, जैसे कोई कंपनी है वो लोहा पिघला रही है, तो लोहा पिघलाने के लिए उसको ईंधन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आग तो जलेगी। तो या तो औद्योगिक की बात करें या फिर हम बात करें घरेलू। उद्योग में जैसे एक बिस्किट फेंक रही है या फिर एक टोस्ट फेंक रही है, वहाँ टोस्ट बन रहे हैं, या ब्रेड फैक्ट्री है तो ब्रेड को तपाने के लिए, उसको बनाने के लिए आग की जरूरत पड़ेगी, सेक, बिल्कुल सेकना पड़ता है उनको, सेकी तो आती हैं। तो इस प्रकार से ईंधन की तो हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ईंधन या तो घरेलू बात करेंगे या औद्योगिक बात करेंगे, ईंधन की हमें जरूरत पड़ती है। तो लिखें, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी प्रमुख स्रोत लकड़ी काष्ठ कोयला पेट्रोल मिट्टी का तेल आदि, ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अब अगली हेडिंग है अपनी आदर्श ईंधन। अब समझो पहले इसको, आदर्श ईंधन क्या होता है। मैं आपसे पूछूं कि कोई भी ईंधन है, चाहे वो लकड़ी हुई या गैस हुई, इसके अतिरिक्त और भी कुछ हुई, क्या वो 100% हमें ऊष्मा ऊर्जा देगा? 100% ऐसा कोई ईंधन है आपकी नजर में जो 100% हमें ऊष्मा ऊर्जा दे देता है? तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जो 100% हमें क्या दे देता है? ऊष्मा ऊर्जा दे देता है। ऐसा कोई भी ईंधन इस धरती पर मौजूद नहीं है जिसको जलाने पर वो 100% ऊष्मा ऊर्जा दे देगा। कोई 40% देता है ईंधन, कोई 50% देगा, कोई 60% देगा, कोई 80%, जो 90+ दे रहे हैं ऊष्मा ऊर्जा, वो अच्छे ईंधन माने जाते हैं। जैसे 90% ऊष्मा ऊर्जा दे रहा हमें, यानी 100% में से 10% ही वेस्ट जा रहा है उसका, 90% ऊष्मा ऊर्जा दे रहा है तो वो अच्छा ईंधन माना जाता है। कुछ ईंधन होते हैं जैसे लकड़ी है, लकड़ी से कोयला बनता है, इसका मतलब उसका अपूर्ण दहन हो रहा है, पूर्ण दहन तो होता ही नहीं है। आप गर्म करते हो वस्तुओं को या तपेले को तो आप वहां देखोगे नीचे से काला पड़ जाता है, इसका मतलब उसमें कार्बन जा रहा है, कार्बन के कण है वो उस पर लग जा रहे हैं, तो उसका दहन है वो क्या हो रहा है? अपूर्ण दहन हो रहा है। इसका प्रयोग भी हमने देखा था कि जिन पदार्थों का दहन अपूर्ण होता है वो कार्बन कण छोड़ते हैं कि नहीं। तो आदर्श ईंधन है वो इस धरती पर मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ दक्षतापूर्ण, जैसे कि जिसकी 90% दक्षता है या 85% दक्षता है, ऐसे ईंधन उपलब्ध है। तो लिखें इसमें, संभवतः ऐसा कोई भी आदर्श ईंधन में लिखें, संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे आदर्श ईंधन कहा जा सके। अर्थात ऐसा ईंधन कहा जा सके, अतः ऐसे लिखो, अतः ऐसा ईंधन
जो दहन करने पर ऐसा ईंधन जो दहन करने पर ऐसा ईंधन जो दहन करने पर 100% ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता हो आदर्श ईंधन कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं ईंधन की दक्षता, बोले तो फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब कितना दक्ष ईंधन है। हमें कोई भी ईंधन लिया हमने और उसकी एक फिक्स मात्रा ले ली, हमने ले लिया मान लो 1 किलोग्राम, क्या है हमारे पास कोई भी ईंधन है 1 किलोग्राम आपके पास मान लो एलपीजी गैस है, ठीक। अब उस 1 किलोग्राम ईंधन को आपने जलाया, 1 किलोग्राम ईंधन को क्या किया आपने जलाया, आपको उससे कितना ऊष्मीय मान प्राप्त हुआ, यानी कितनी आपको ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त हुई, कितनी आपको क्या प्राप्त हुई ऊष्मा ऊर्जा, वो क्या कहलाएगी उसकी दक्षता कहलाई ईंधन की। जैसे 1 किलो आप गैस लो और 1 किलो आप लकड़ी लो, क्लियर। आपने 1 केजी तो आपने ले ली गैस एलपीजी और 1 केजी आपने ले ली लकड़ी, ठीक है। अब आप दोनों का क्या कर रहे हैं दहन कर रहे हैं, तो आप इसको आसानी से बता सकते हो इससे हमें ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त हो। तो इसका सही आंसर है एलपीजी गैस। आप 1 किलो लकड़ी को जला दोगे बहुत जल्दी और उससे जो ऊष्मा प्राप्त होगी वो हमें कम प्राप्त होगी, लेकिन जब आप 1 किलो एलपीजी गैस को जलाओगे तो आपका पूरा खाना बन जाएगा, खाना बनने के बाद और आपको गैस मान लो आप 2 या 3 दिन का खाना बना लोगे इससे, और ज्यादा 1 किलो गैस में आप ज्यादा ही बना लोगे 2-3 दिन से, 1 किलो गैस में आप लगभग 4 या 5 दिन का खाना तो बना ही लोगे। और लकड़ी से आप बना सकते हो क्या 1 किलो लकड़ी से, नहीं बना सकते, 1 दिन का खाना ही मुश्किल से बनेगा 1 किलो से, 1 किलो लकड़ी का मतलब आपकी इतनी सारी लकड़ी हो जाएंगी तो आपकी तो ज्यादा लकड़ी चली गई। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपने 1 किलो लकड़ी को जलाया और 1 किलो गैस को जलाया तो हमें ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त हुई, एलपीजी गैस। इसका मतलब यह हुआ कि एलपीजी गैस की दक्षता ज्यादा है, ये ज्यादा दक्ष ईंधन है, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चल गया कि अगर हम 1 किलो पदार्थ को जलाएं तो उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी वो उसका ऊष्मीय मान कहलाती है, क्या कहलाती है ऊष्मीय मान। तो लिखें इसको ईंधन की दक्षता और इसमें पहली हेडिंग बनाओ ऊष्मीय मान, ईंधन की दक्षता और इसमें पहली हेडिंग बनाओ ऊष्मीय मान। मान किसी ईंधन के, हाँ ऊष्मीय मान में लिखें, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से, 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा, मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है, उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। आगे लिखें इसे, हाँ इसमें लिखिए इसे किलोजूल प्रति किलोग्राम ये मैं मापते हैं, यानी इसका मात्रा क्या है किलोजूल प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए,
जी बिल्कुल लिखना है कि ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है, तो क्या मात्रक है, किलोजूल प्रति किलोग्राम। हेडिंग डालो ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद। अब पहले समझ लो इसको, देखिए नंबर एक, अरे समझो नंबर एक, अगर ईंधन का मान लो कोयला है, इसका हम कह रहे हैं अपूर्ण दहन। अगर मान लो ईंधन का अपूर्ण दहन हो रहा है, तो हमने देखा था, प्रयोग किया था कि ईंधन का जब अपूर्ण दहन हो रहा था तो कार्बन कण निकल रहे थे उससे, और कार्बन कण जब हवा में फैल जाते हैं तो सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो इससे क्या होता है, एक तो सांस की बीमारी बन जाती है और इसके अलावा और भी खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो पहला तो यह है कि कोयला का जब अपूर्ण दहन होगा तो इससे एक सांस वाली बीमारी पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे शरीर में जाएगा, ठीक है। तो पहला है बीमारी को जन्म देगा ये, दूसरा बिल्कुल बीमारी, आदमी बीमार हो जाएगा क्योंकि कार्बन कण हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो हमें बार बार खांसी आएगी, है ना, तो इस प्रकार की इससे बीमारी जन्म देता है। दूसरा, ये कार्बन कण है जब अपूर्ण दहन होगा तो इससे एक गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा है, अपूर्ण दहन से क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे एक गैस बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो क्या है, हानिकारक गैस होती है। कैसी गैस होती है, हानिकारक। और ये जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये दम घोटू गैस है। कैसी है, दम घोटू। जहां से उत्सर्जित होगी अपूर्ण दहन से, तो आपने देखा होगा जब कमरे में धुआं धुआं सी हो जाती है तो आपका धुआं दम घुटने लगा कि नहीं, हाँ, तो वो अपूर्ण दहन से होती है। मतलब आपने आग तो लगा दी लकड़ियों में, लेकिन उससे धुआं निकलने लग गई, क्या निकलने लग गई, इससे क्या होगा, जो रूम होगा या हमारे आसपास के वातावरण में धुआं फैल जाएगी और फिर उससे क्या होगा, दम घुटने लगेगा। आपने ऐसी भी न्यूज देखी होंगी कि आग लगने से धुआं भर गई रूम में और उससे क्या है, बच्चे मर गए या आदमी खत्म हो गया, तो उससे क्या हुआ, हाँ, यानी रूम में मान लो आग लग गई, अब आग लग गई तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रही क्योंकि उसमें धुआं ही धुआं हो गई, अब धुआं से आग तो चलेगी नहीं, वो धुआं ही निकलती जाएगी और पूरा रूम भर जाएगा, व्यक्ति का क्या होगा, दम घुटने लग जाएगा, उसको ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं, हाँ, बाहर नहीं निकलती है। अब इसमें अगर जलाएंगे तो इसमें चारों ओर कितना कहाँ बाहर निकले, खुला होगा तो बाहर निकलती है। मान लो खिड़की लग रही है और गलती से आग लग जाए, मान लो कैसे भी करके, मान लो कोई प्लग लग रहा है, लाइट से लग गई आग, अब लाइट से आग लग जाएगी तो वो धुआं धुआं होगी, उसमें धुआं भर जाएगी, तो उससे क्या है, गेट वेट लग रहे हैं तो उसमें एकदम धुआं हो गया, वहाँ ऑक्सीजन तो रही नहीं, तो व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा, उसकी दम घुट जाएगी। इस प्रकार से विश्वभूषण, अभी लिखना, अभी मैं लिखवाऊंगा। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, कोई बताएगा मुझे, विश्वभूषण क्या होता है, जब हम पेट्रोलियम पदार्थों का क्या करते हैं, दहन करते हैं, क्या करते हैं, दहन करते हैं, तो इनसे विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या होगा, कार्बन कण जाएंगे वायुमंडल में, तो ये कण क्या होते हैं, यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें वो जमीन पर पड़ेंगी और जमीन से वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं वापस में अंतरिक्ष में जाती हैं, लेकिन ये कार्बन कण, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार की जो गैस हैं वो क्या करती हैं, उस गर्मी को यहीं रोक लेती हैं वायुमंडल में। अब वायुमंडल में गर्मी रुक जाएगी तो औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी वायुमंडल के में, तो औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी वायुमंडल के में, तो ध्रुवों पर जो बर्फ जम रही है वो क्या होगी, पिघलने लगेगी, और पिघलने लगेगी तो वो
किधर की ओर बढ़ेगी, तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ेगी कि नहीं, पानी है पिघलेगी, वो पिघलेगी तो तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, जो तटीय क्षेत्र है वो जलमग्न होने की समस्या है। तो इसलिए विश्व उष्णन की समस्या पैदा हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग की, किससे, अपूर्ण दहन से। अगला पॉइंट है अम्ल वर्षा, मैंने आपको बताया था अम्ल वर्षा के बारे में पहले ही, कि पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इनसे कौन सा, एक सल्फर नामक SO2 गैस निकलती है इनके दहन से, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये खतरनाक गैस होती है। अब इस प्रकार की गैसें जब वायुमंडल में नमी के साथ क्रिया करती हैं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इस प्रकार के अम्ल बन जाते हैं ये। और जब ये अम्ल वर्षा के साथ जमीन पर गिरते हैं तो वर्षा जल का pH मान है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस प्रकार की वर्षा है वो क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा है वो हानिकारक है, पहली बात तो हमारी जो पुरानी धरोहरें, प्राचीन जो धरोहर हैं, इमारतें हैं, जैसे कि ताजमहल, उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है अम्लीय वर्षा के कारण, उनका क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है, क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है, और जो मार्बल है वो कैसा पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। इसलिए वहाँ पर पेट्रोलियम यानी पेट्रोल से चलने वाले, डीजल से चलने वाले जो साधन है वो बैंड है, बैन कर दिए वहाँ उसके आसपास के क्षेत्र में, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले साधन है वो क्या है, बैंड है, चलेंगे नहीं वहाँ, क्योंकि इनसे क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी और फिर वही अम्ल वर्षा होने की समस्या है, इसलिए वहाँ पर बैन कर दिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये जमीन पर गिरेगी तो हमारी फसल को नुकसान है, आपके खेत में कोई भी फसल हो रही है और वर्षा गिर जाएगा, अम्लीय वर्षा, वो नष्ट हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं लगेगा बिल्कुल। इसलिए बरसातों के टाइम में सब्जियां हैं वो पॉली हाउस में ही होती हैं, वैसे नहीं होती, होती हैं तो कुछ होती हैं जैसे कि लटकने वाली बेल वाली, ऐसी सब्जियां होती हैं, है ना। इसके अलावा जीव जंतुओं के लिए भी खतरा है, जीव जंतुओं के लिए खतरा ऐसा है, अम्ल वर्षा वाला पानी मान लो समुद्र में चला गया तो समुद्री जो जीव हैं वो तो जल में घुली ऑक्सीजन को लेते हैं, तो जब अम्ल वर्षा वाला पानी मिल जाएगा तो उनको ऑक्सीजन लेने में समस्या होगी तो वो मर जाएंगे। इसलिए कई कई जगह जो मछलियाँ यूं ही मरी पाती हैं उसका रीजन यही है कि अम्लीय वर्षा वाला पानी है वो वहाँ पर चला गया होगा और उनको सांस लेने में क्या आ गई, दिक्कत। तो इस प्रकार से ये अम्लीय वर्षा बहुत ज़्यादा जमीन पर हमारे पेड़ पौधों के लिए भी खतरनाक है और जीव जंतुओं के लिए खतरनाक है। तो ये क्या है, दुष्प्रभाव है इसके, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, ये हेडिंग डाल के इसमें लिखो पॉइंट एक, दम घोटू, सही तो है, हाँ दम घोटू, दम घोटू लिखिए, लिखे इसमें, मैं लिखवा रहा हूँ। लकड़ी कोमा कोयले, इसमें पहला पॉइंट लिखो ना, ईंधन के दहन से हानिकारक है, ये नहीं लिखना है, मैं लिखा रहा हूँ, जो लिखी लकड़ी कोमा कोयले और पेट्रोल जैसे ईंधन, जैसे कार्बन ईंधन, पेट्रोल जैसे लकड़ी कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन, कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, कार्बन कण छोड़ते हैं, ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, दमा श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, यह अत्यंत विषैली गैस है,
जो यह अत्यंत विषैली गैस है, हाँ विषैली, अतः कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। अतः बंद कमरे में कोयले को नहीं जलाना चाहिए। अतः बंद कमरे में कोयले को नहीं जलाना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिए तीसरा, अधिकांश ईंधनों के दहन से, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन का कारण बनती है। लास्ट पॉइंट है और पैट खत्म। अगला पॉइंट लिखो चौथा, या फिर तुम लिख लेना, ये तुम लिख लेना, भले ही यहां तक होती है, यहां तक लिखना है पूरा, ये चौथा पॉइंट होती है, यहां तक लिख लेना, ठीक है? ठीक है, हाँ यहां तक। इसमें देख लेना आप, दो चार पांच तो लिखना ही है आपको, हाँ बना लेना ये सारनी, ठीक है? तो पार्ट नंबर चार फिनिश हुआ अभी, अब कल हम बात करेंगे पार्ट नंबर पांच, ठीक है? और हाँ आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी से हमारे 50 के पूरे होने वाले हैं, तो हम इसका सेलिब्रेशन करेंगे। Only for 8th class. Sir, Jai Jawan, Jai Kisan.